फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीसी ज्वेलरी और वक्रांगी के बारे में। वो हाल ही में फ्राइडे को 55% तक पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स गिर गए थे और काफ़ी नीचे आया था और काफ़ी सेलिंग प्रेशर भी दिखने को मिला था। और वही वक्रांगी ने भी कन्फर्म किया है कि उन्होंने 20 लाख शेयर्स पीसी ज्वेलर्स के ख़रीदे थे, लेकिन जो खरीदे हैं वो स्टेक सेल किया है या नहीं किया है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है। उनका ये मानना है उन्होंने शायद स्टेक सेल किए हैं पीसी ज्वेलर्स के, उसी के तहत ये गिरे होंगे शायद। लेकिन पीसी ज्वेलर्स के मैनेजमेंट के थ्रू स्टेटमेंट आ रहा है कि फंडामेंटल्स हमारे काफ़ी स्ट्रांग है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कंपनी में, और पूरा जो भी इनके फाइनेंशियल्स है सब क्लियर है। और शायद वक्रांगी ने सेल किए तो वो हिसाब से कुछ प्रेशर देखने मिला होगा या कुछ न्यूज़ के चलते ये नीचे आया होगा। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं है कि जिसके चलते ये गिरे, और न ही प्रमोटर्स के पीसी ज्वेलर्स के किसी ने अपनी स्टेक सेल की है, न ही किसी ने शेयर्स बेचे हैं काफ़ी क्वांटिटी में। और जो वैल्यूएशन है कंपनी की 14,000 करोड़ से लेकर 4,600 करोड़ तक आ गई थी, लेकिन पीसी ज्वेलर्स का मानना है कि कोई घबराने की बात नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सेकेंडरी मार्केट से वक्रांगी ने ख़रीदे थे शेयर्स, 20 लाख शेयर्स 469 के भाव से ख़रीदे थे, तो शायद उन्होंने ही बेचे होंगे, लेकिन ये क्लियर अभी तक हुआ नहीं है। और सेबी ने भी वक्रांगी से जवाब मांगा है जो कि वो दे देंगे कुछ टाइम में। और मुझे लगता है ये पीसी ज्वेलरी का शेयर फिर से कवर हो जाएगा, 400-450 तक वापस चले जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि फिर से इसमें बाइंग आने वाली है और जिसने अपनी होल्डिंग निकाली थी फिर से इस स्टॉक में होल्ड करेंगे और अभी सस्ते भाव में मिल रहा है तो लोग ज़रूर ख़रीदेंगे। और वक्रांगी के ऊपर भी मीन्स सेबी की कुछ इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ आई थी, उसके तहत वक्रांगी काफ़ी 5 दिनों से गिर ही रहा था, 50% तक गिर चुका है, लेकिन उनका कहना है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है और कोई गलत काम ऐसा हुआ नहीं कि हमारे शेयर्स गिर जाएं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो लगता है कि वक्रांगी के शेयर्स भी कवर हो सकते हैं। उनका ब्लूमबर्ग टीवी पर इंटरव्यू था उनके एमडी का, तो उसमें उन्होंने क्लियर बात कही है कि हमने ख़रीदे थे पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स, लेकिन बेचे हैं या नहीं बेचे वो ट्रेजरर से पूछ के बताने वाले हैं। ये देखिए, चलिए इतना ही बताना था आज। थैंक यू।